खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के हवाले से राज इंटरनेशनल ट्रस्ट और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहकीन में रमज़ान फूड पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुमताज़ समाजी रहनुमा चेयरमैन राज इंटरनेशनल और चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हाजी सैफुल्ला ज़िया ने चांदनी चौक में रमज़ान फूड पैकेज तकसीम के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ान करीम में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों से दामन भरने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। इस मौका पर सूबेदार रिटायर्ड मोहम्मद रफीक चौधरी, तारिक महमूद और रहमानी फ्री दस्तरखान की टीम भी मौजूद थी। चेयरमैन राज इंटरनेशनल और चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हाजी सैफुल्ला ज़िया ने मज़ीद कहा कि रमज़ान करीम की मुनासबत से चांदनी चौक, ब्लू एरिया, शिफा इंटरनेशनल, H8 हयाताबाद पिशावर में अफ्तार दस्तरखान का सिलसिला भी जारी है। इंशाल्लाह मुंतखब मकाम पर यकम रमज़ान से 29 रमज़ान तक रमज़ान फूड पैकेज के तकसीम का सिलसिला भी जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि राज वेलफेयर ट्रस्ट के तहत अफ्तार दस्तरखान और राशन की तकसीम तालीमी वज़ाइफ के चराग भी रोशन रहेंगे।